हाय एवरीवन, आइए समझते हैं वेक्टर प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। पहली बात, वेक्टर प्रोडक्ट कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होता, क्योंकि अगर ए क्रॉस बी करोगे आउटवर्ट आएगा और अगर बी क्रॉस ए करोगे तो इनवर्ट आएगा। इसका मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में बराबर नहीं होता है। वेक्टर प्रोडक्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, मतलब ए क्रॉस बी प्लस सी अगर लिखा है तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी हम लोग कर सकते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज ऑलवेज जीरो। रीजन है, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इनके बीच का एंगल जीरो होगा और साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। बिल्कुल वही काम यहां पर भी, अगर एक वेक्टर का उसी के साथ आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, क्योंकि सेम वेक्टर्स हैं, इनके बीच का एंगल जीरो होगा, तो यहां पर भी क्रॉस प्रोडक्ट हमारा जीरो आ जाएगा। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स की बात करें, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के की वैल्यू जीरो है, क्योंकि इनके बीच का एंगल भी जीरो है। लेकिन अगर आई क्रॉस जे करते हैं तो ये हमारा के आता है, जे क्रॉस के करते हैं तो आई आता है, के क्रॉस आई करते हैं तो जे आता है। इसका तरीका ये है कि अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हो, आई क्रॉस जे कर रहे हो तो के आएगा, के क्रॉस आई कर रहे हो तो जे आएगा, और जे क्रॉस के कर रहे हो तो आई आएगा विद पॉजिटिव साइन। लेकिन अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो इट विल बी नेगेटिव साइन।